हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और कैसे हैं आप सब? होप करता हूँ आप बढ़िया होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ एकदम। ब्लॉग स्टार्ट किया मैंने करीब 10 बजे, आज 10 बज गए हैं क्योंकि आज इसका ऑफ था। तो गुंजा उठी है अभी 9:30 बजे उठी थी क्योंकि कल रात को इसने करीब 11 बजे तक कपड़े धो के डाले। बहुत ज़्यादा कपड़े हो गए थे, दिवाली से लेके अभी तक कोई कपड़े धोए नहीं इसने। तो अब जाके इसने कपड़े धोए, तो सारे कपड़े इसने 11 बजे तक धोए। 12 बजे तक सोई है ये, तो 9:30 उठी है ये। तब तक मैं सोच रहा हूँ कि यार शेविंग बहुत बड़ी हो गई, दाढ़ी कटवा के आता हूँ, फिर उसके बाद देखते हैं क्या करना है। तो आरू पोहा खा रहा है, पोहा बना दिया है नाश्ते में गुंजा ने, तो मैं भी पोहा खाता हूँ फटाफट। गुंजा ने दे दिया है पोहा, नाश्ता बना दिया इसने, तो पहले नाश्ता करते हैं फिर जाते हैं। तो नाश्ते में देखो ये पोहा बना दिया है, सादा सिंपल पोहा बनाया है इसने अच्छे से। तो कटिंग वगैरह करा ली है मैंने, गुंजा बना दी खाना, और 2:30 अभी मुझे टाइम लग गया, काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया। और देखो कैसा लग रहा हूँ बताना कमेंट करके। और अभी खाना खाते हैं, पहले तैयार होंगे, पहले नहाता हूँ उसके बाद खाना खाएंगे, तब मैं आपसे मिलूँगा। तो ये आंटी अभी बताओ कितनी दूर से चल के आ रही हैं ऐसी, और ये लास्ट यहाँ तक रहेंगे। इसी में छू के ये लो अभी लास्ट हुआ है इनका। अब आ जाऊँ घर। काफ़ी लेट गए थे हम लोग वहाँ पे छठ पूजा में, और हमारे घर के पास में रहते हैं वो लोग जिनके हम छठ पूजा जिनकी मम्मी ने की थी, बट हम लोग सिर्फ देखने गए थे वहाँ पे छठ पूजा कैसी होती है क्योंकि हमें पता नहीं है एक्चुअली। इसलिए मैं गया था और भी एक दो लोग थे वो साथ में गए थे। गुंजा तो तब से सोई रही थी, जब मैं आया हूँ तब ये उठी है उसी टाइम पर, और मैं आया था करीब 6 बजे आया था घर पर कि 7:30 बजे मैं आया था, करीब 7 बजे आया था घर। 7 बजे आके उसके बाद मैं पानी लेने गया, पानी ख़त्म हो गया था घर पे। पानी लेने के बाद मैं अभी आया हूँ तो मुझे लग गई भूख, खा लूँगा मैं। तो एक्चुअली दिन में इसने बनाया था मेथी का पराठा और सब्जी, और अभी इसने बनाया है पालक की सब्जी, जो पालक पनीर होता है ना वैसी सब्जी बनी है, बट पनीर नहीं है इसमें, पालक की ग्रेवी बनाई है।
गुंजा कह रही है ढूंढोगे तो मिल जाएगा, ढूंढने से तो भगवान भी मिल जाता। पनीर क्या चीज है? है? अच्छा ढूंढू तो गोता लगाऊंगे इसमें, अब डुबकी मार दूं एक तो इस भाई, इसमें डुबकी मार के देखेंगे अभी, और अभी खा के उसके बाद देखते हैं। अभी गुंजा कह रही है कि जाओ मिर्ची लेके आ जाओ मार्केट से, सिर्फ मिर्च मंगाने के लिए मुझे मंडी भेज रही है 1 किलोमीटर दूर। खाने में बना दिया इसने पालक की सब्जी और रोटी, और 2 पराठे भी रखे हैं जो कि मैंने दिन में नहीं खाए थे इतने, तो वो मेरे ही बच गए थे। ला दे दे वो भी दे दे। और आरू देख रहा है टीवी, ये दोनों लोग टीवी देखते रहते हैं बस, और कुछ नहीं काम है इन पे, टीवी देखते रहते हैं। तो खाना वगैरह खा चुके हम तीनों लोग, और गुंजा अभी खा ही रही है जस्ट। ये भाई 10:30 बज रहे हैं अभी, 10:30 बजे इसका खाना हो रहा है, और मैं आरू खा चुके। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताना कमेंट करके, वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन जरूर दबा देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। तो गाइस देखिए, तब भीड़ थी उस टाइम पे, भीड़ थी इसलिए हम नहीं आ पाए थे, और अब हम आए रात को, क्योंकि रात को यहाँ से भीड़ ख़त्म होगी, सुबह पूजा होगी फिर दोबारा से। तो ये ऐसे बना दिए जाते हैं, ऐसे ही अपने अपने बनाए हुए हैं नाम के, अपने नाम की चौकी बनाई हुई है ये, तो इस पे पूजा करते हैं ये लोग बाग, इसलिए यहाँ पर अलग अलग नंबर वाइज इन पर नाम लिखा गया है बाकायदा। तो यही चीज़ है वो दिखानी थी, इसलिए मैं रात को 10:30 बजे आया हूँ यहाँ पे, 10:30 बज रहे हैं। मैं अपने घर को वहाँ से उस साइड से, मेरा रूम उधर है उस साइड में, तो बट घूम के आना पड़ता है, ये पूरी बाउंड्री से इस साइड से हमें घूम के आना पड़ता है। तो चलो अभी चलते हैं घर।